वेलकम टू मैट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक चैप्टर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक की बुक है ये मैथ की। ठीक है, इस मैथ की बुक में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है 15। ठीक है, इस 15 चैप्टर का हम एक्सरसाइज नंबर 15.1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें फिगर दी है। ठीक है, इस फिगर की मदद से हमें ये स्टेटमेंट बतानी है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी। ठीक है, ये इन्होंने एक फिगर दी हुई है। ठीक है, ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल के इन्होंने तीन नेम्स दे दिए। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, और इनके कुछ साइड्स हैं, उसके भी नेम्स दे दिए। ठीक है, हमें बतानी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट को सही या गलत देखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हमें याद रखने हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह अगर हम इसका इन्वर्स लें तो साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका इन्वर्स लेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कॉस का होता है सेक थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस टेन का होता है कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें कुछ रेशोज याद रखने हैं। ठीक है, इसका याद करने का आसान तरीका मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि हम किस तरह से इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ही एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है याद करने का, सम पीपल है। ठीक है, ये इस तरीके से हम याद करते हैं, यानी सम पीपल है, यानी हमें इसका पहला अल्फाबेट लेना है एस पी और एच। ठीक है, यानी साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस टिल परमानेंट ब्लैक, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना। ठीक है, फर्स्ट लेटर याद रखने हमने से। ठीक है, तो उस तरीके से हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन है साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी। ठीक है, तो हमने बीटा से चेक करना है। ठीक है, ए अपॉन सी। ठीक है, तो साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर से परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूस कौन है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि 90 का जो एंगल होता है, ठीक है, उस 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। ठीक है, यानी ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो जो सामने वाली साइड होगी ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। इसी तरह से जो ये एंगल होता है, ठीक है, ये तो 90 का एंगल है, इसके अलावा जो ये एंगल है, ठीक है, जो 90 का नहीं होता, 90 से कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है, इसके जो सामने वाली जो साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी जिस साइड से हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये बीटा है तो हम बीटा वाली साइड देखेंगे, यानी बीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर यहाँ पे अल्फा होता तो अल्फा के सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाती। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जो साइड होगी डिपेंड करेगी आप किस साइड से एंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर बीटा से कर रहे हैं तो बीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी, अल्फा से कर रहे हैं तो अल्फा के सामने वाली। ठीक है, लेकिन जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। ठीक है, तो बीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, बाकी बेस। ठीक है,
तो अब हमें बताना है कि ये सही है या गलत। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज सी, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन हमारे पास ट्रू है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाएगा जो हमारे पास बुक में नज़र आ रहा है। ठीक है, बुक में हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, अच्छा हमें ये भी बीटा से चेक करना है। ठीक है, तो हमने बीटा से क्या चेक किया था, परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेन्यूज ये होगा और बेस ये होगा। ठीक है, तो बी अपॉन सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके अंदर बेस क्या था, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ये है। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन भी हमारे पास ट्रू है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ठीक है, तो टेंजेंट बीटा हमारे पास है बी अपॉन ए। अब हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो हम इसको किस तरह से चेक करेंगे, टेंजेंट थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेंजेंट बीटा से चेक करना है। बीटा से मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा और बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ये है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसके अंदर से हमने परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बेस क्या है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, ठीक है, ए, और बेस हमारे पास क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए था और बेस हमारे पास बी, तो इसका मतलब ये इक्वेशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब हमारे पास कॉट अल्फा है। ठीक है, पहले हम बीटा कर रहे थे, अब हमारे पास कॉट अल्फा है, अब हम अल्फा से चेक करेंगे। ठीक है, तो अल्फा के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। बेस हमारे पास क्या है, ठीक है, अच्छा कॉट अल्फा से परपेंडिकुलर ये बेस हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू हो गई है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, sec alpha is equals to c upon b। ठीक है, sec alpha is equals to c upon b। ठीक है, sec किसके बराबर होता है, hypotenuse upon base। ठीक है, अब हमें alpha से चेक करना है। ठीक है, हम चेक करते हैं। alpha से हमें बताया था perpendicular ये होता है, base ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, सी, और बेस हमारे पास क्या है, ए। ठीक
कैसे? अल्फा से हम चेक करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटनेस, और ये हमारे पास बेस हो जाएगा। तो हाइपोटनेस अपॉन बेस था, तो हाइपोटनेस सी और बेस हमारे पास ए, तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर पर हम सिक्स देखें, सिक्स हमारे पास कोसेक अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है, कोसेक अल्फा, कोसेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, अल्फा से चेक करना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, सी, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, एंगल के सामने होगा बी, तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन बीटा। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास है, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन बीटा, ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो हम ये तो वैसे ही बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा, अगर दोनों जगह अल्फा होता तो फिर हम चेक करते कि ट्रू है या फॉल्स, अगर यहाँ पे दोनों सेम एंगल्स नहीं है तो इसका मतलब है ये हमारे पास फॉल्स है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट चेक कर लेते, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एंगल्स दोनों तरफ सेम है, लेकिन साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक, ठीक है, तो उसका मतलब है ये बी फॉल्स है, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर वन कर लिया है, ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, बाकी के कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो आपको ट्राई कीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर टू में हमें दोबारा एक फिगर गिवन है, ठीक है, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस गिवन दिए हैं, ठीक है, इस बार साइड्स की जो हैं वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमने ये सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें जो नंबर वन गिवन है, साइन मेजर एंगल ऑफ ए, ठीक है, तो हमें ये दे दिए हैं, अब हम चेक करना है, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो दोस्तों हमने लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, साइन मेजर एंगल ऑफ ए इक्वल्स टू, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड टू एंगल ए अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड टू मेजर ऑफ एंगल ए इस वजह से लिए क्योंकि हमें मेजर एंगल ए दिया जाता है, ठीक है, और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मेजर एंगल ए दिया हुआ था तो ये वाला हमें एंगल देखना है, ठीक है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 90 एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज के बराबर, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 16/20, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसी बुक में, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है कि कॉस मेजर एंगल ऑफ ए, ठीक है, तो कॉस हमारे पास क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देयरफॉर
साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कॉस एरिया एंगल ऑफ ए इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ साइड टू एंगल ए। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसमें से चेक करेंगे हमारे पास बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या। ठीक है, तो एंगल हमने ए से मेजर करना है। ए से हमने मेजर किया था तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने वाला हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग होगा वो हमारे पास बेस होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 12 अपॉन, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या था, 20। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 10 मेजर एंगल ऑफ, टेन थीटा किसके बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम इसको देख सॉल्व कर लेते हैं, 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ साइड टू एंगल ए डिवाइड बाय लेंथ ऑफ बेस। ठीक है, लेंथ ऑफ बेस, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, एंगल से देखना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 16 होगा और बेस हमारे पास 12 होगा, तो हमारे पास 16/12 आएगा। सो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4/3 आ जाएगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब अगर हम चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, साइन मेजर एंगल बी। ठीक है, अब हमारे पास मेजर एंगल बी होगा, पहले हमारे पास एंगल ए से सॉल्व कर देते, अब हमारे पास एंगल बी है। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू एंगल बी। डिवाइड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब हमें बी से मेजर करना है। ठीक है, बी से मेजर करेंगे तो एंगल के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज ये, और बेस हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 12
डिवाइड बाय 20, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3/5, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सेम यही ट्रिक आजमाते हुए आपने वीगर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये फिगर दी हुई है, ठीक है, और इसकी हमें वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, ठीक है। अब हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से मालूम करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, ठीक है। अब हमें साइन 45 की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 45 के एंगल मौजूद है, ठीक है। हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, फर्स्ट के हम ये एंगल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, जो एंगल हम लेंगे, ठीक है। अगर हम ये वाला एंगल लिया तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, अगर हम ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। अभी हमने ये एंगल लिया तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये 90 का एंगल है, 90 ये एंगल के सामने वाली जो साइड वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो हमारे पास ये जो हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, अंडर रूट। तो हमारे पास ये इसकी साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस 45। कॉस किसके बराबर होता है हमारे पास, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हमने ये वाला एंगल लिया, ठीक है। बेस क्या है हमारे, हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या, हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास यही थी, ठीक है। तो बेस हमारे पास ये हो जाएगी 1, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट। ये हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, टेंजेंट 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, ये वाली थी, और बेस हमारे पास ये वाली थी, ठीक है। तो 1/1, ये हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, कॉट 45। कॉट जो होता है किसका इन्वर्स होता है, कॉट टेंजेंट का इन्वर्स होता है, ठीक है। टेन हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो कॉट हमारे पास इसका इन्वर्स होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। वैल्यू को भी इन्वर्स कर देंगे तो सेम ही रहेगी। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक 45 डिग्री, ठीक है। सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हम इसकी वैल्यू को भी इन्वर्स करेंगे तो अंडर रूट 2/1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 लें, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक किसका इन्वर्स होता है, साइन का, कोसेक 45 डिग्री, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वैल्यू भी इन्वर्स कर देंगे तो अंडर रूट 2/1। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व कर लिया, तमाम वैल्यूज हमने निकाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दोबारा एक फिगर दी हुई है, और इस फिगर की मदद से हमें प्रूव करना है कि साइन अल्फा बराबर है कॉस बीटा के, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है, तो हमने जो बाकी क्वेश्चंस किए हैं तो सेम वही ट्रिक हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर साइन अल्फा ले लेते हैं
ठीक है, सबसे पहले तो साइन हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अल्फा है, हमने अल्फा लिया, अल्फा वाली वैल्यू ली, ठीक है, अल्फा के सामने वाली हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, और 90 के सामने वाली, ये 90 कहेंगे हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास, ठीक है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और ये हमारे पास बेस, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास सी, ठीक है। तो हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारे पास कॉस बीटा है, ठीक है, हम बीटा वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बी लेंगे तो बी के सामने वाली हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, और बेस ये हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज ये होगी, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू होंगी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस हमारे पास इसके अंदर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, बेस हमारे पास ए हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा सी। तो उसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट बीटा, ठीक है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेंजेंट अल्फा, अल्फा से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और बेस हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास ए अपॉन बी हो जाएगा, ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉट किसके बराबर होता है, कॉट थीटा टेन का इनवर्स होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन हमारे पास टेंजेंट अल्फा में तो कॉट बीटा में, ठीक है, तो हम बीटा की वैल्यू देखेंगे, बीटा में हमारे पास परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा और बेस ये होगा, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या है ए और परपेंडिकुलर हमारे पास बी, ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास इक्वल आ गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है सेक अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक बीटा, ठीक है। तो सेक हमारे पास किसके बराबर होता है, sec किसके इनवर्स होता है, sec cos का इनवर्स होता है, ठीक है। तो sec थीटा किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के, ठीक है। तो sec अल्फा है, ठीक है, हम अल्फा से देखेंगे, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा c और बेस हमारे पास होगा b, ठीक है, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, कोसेक, कोसेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा का, तो कोसेक किसके बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमें बीटा में देखना है, ठीक है। तो बीटा के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज,
तो ये हमारे पास हो जाएगा बी अपॉन सी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, साइन किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन बीटा से चेक करना है, तो बीटा से हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, यानी ये हमारे पास हो जाएगा बी अपॉन सी। ठीक है, इसी तरह हम अगर हम कॉस थीटा मालूम करें तो कॉस इसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमें अल्फा से मालूम करना है। ठीक है, तो अगर हम अल्फा से देखेंगे कॉस, तो कॉस हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस हमारे पास बी होगा और हाइपोटेन्यूज सी। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा। तो टेंजेंट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हमें बीटा से देखना है, बीटा से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा और बेस ये होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा बी और बेस हमारे पास होगा ए। इसी तरह से हम कॉट चेक कर लेते हैं, कॉट थीटा टेन का इनवर्स होता है, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमें अल्फा से चेक करना है, अल्फा से चेक करेंगे तो बेस हमारे पास ये होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा, तो यानी ये हमारे पास बी अपॉन ए हो जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6, सेक बीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा। सेक किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, बीटा से चेक करना है हमें। ठीक है, बीटा से चेक करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी होगा और बेस हमारे पास ए होगा, तो ये हमारे पास सी अपॉन ए हो जाएगा। इसी तरह से हम कोसेक किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉस हमें अल्फा से चेक करना है, अल्फा से चेक करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज सी होगा और परपेंडिकुलर हमारे पास ए होगा, सी अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 के भी 6 क्वेश्चन जो थे इसके अंदर, इसके जो पार्ट्स थे वो भी सॉल्व कर लिए।